आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ नाइलोन एंड पोलिएस्टर्स आर कॉल्ड स्ट्रेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बिकॉज देखो स्ट्रेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एक ऐसा है जिसमें एक एक स्टेप में पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है यानी कि यहां पर बेसिकली जो मोनोमर्स होते हैं फर्स्ट दे रिएक्ट टू फॉर्म अ डायमर फिर डायमर से एक ट्रायमर की फॉर्मेशन होती है तो देखो डायमर में दो यूनिट्स होती हैं। ट्राइमर में तीन यूनिट्स होती हैं, फिर टेट्रामर बनेगा पेंटामर बनेगा तो जिनको हम कह देते हैं सिंपली एज ओलिगोमर यानी कि जिसमें 9 से लेकर 12 या 20 तक जिसमें यूनिट हो वो ओलिगोमर होता है फिर जिसमें 20 से ज्यादा यूनिट्स होती हैं इज पॉलीमर, तो इस तरीके से इसमें पॉलीमर बनता है तो पॉलीमर होगा हाई मोलिकुलर वेट का बट इसके साथ साथ यहाँ पर एक मॉलिक्यूल और बनता है जो कि होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का तो ये जनरली होता है कंडेंसेशन टाइप के रिएक्शंस में तो जहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शंस होते हैं वहाँ पर मॉलिक्यूल जैसे कि पानी के मॉलिक्यूल का अमोनिया का या किसी सिंपल एल्कोहल का एलिमिनेशन होगा और पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी तो पॉलीमर हो गया हाई मोलिकुलर वेट वाला मॉलिक्यूल और जो ये पानी अमोनिया सॉरी दस एनस्थ्री अमोनिया और एल्कोल वगैरह निकले हैं ये मॉलिक्यूल हो गए बेसिकली लो मोलिकुलर वेट के जब ये दोनों चीज़ें निकलती हैं तो दैट इज कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन और इसी को हम कह देते हैं एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे विच इज ऑफ नाइलॉन 6.6। तो नाइलॉन 6.6 के केस में हमारे पास दो मोनोमर्स होते हैं एक होता है हेक्सा मिथाइलिन डाइमिन तो हेक्सा का मतलब होता है छः यूनिट तो छः मिथाइल यूनिट है सो तो दस इज हेक्सा मिथाइलिन डाइमिन और इसके साथ होता है एडिपिक एसिड अब एडिपिक एसिड में बेसिकली होते हैं सी एच टू के चार यूनिट और इसके दोनों तरफ सी ओ एच हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर यहाँ पर फॉर्मेशन होगी देखो की इस केस में क्या होगा यहाँ पर सीओ एच से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ओ एच एन एच टू का एच ये दोनों यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तो यहां पर पानी बाहर निकलेगा यानी कि एच टू आउट या फिर पानी का एलिमिनेशन तो ये हो गया एन एच सी एच टू सिक्स एन एच सी ओ सी एच टू होल डबल बॉन्ड तो दिस इज बेसिकली नाइलोन सिक्स तो ये डिफरेंस होता है स्टेप टूथ पॉलिमराइजेशन में जनरली जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं या फिर कंडेंसेशन रिएक्शन में यहां पर फंक्शनल ग्रोप्स आर इन्वॉल्व और कोई फ्री रेडिकल मैकनिज्म नहीं होता तो फ्री रेडिकल्स नहीं बनते फ्री रेडिकल्स बनते हैं एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन में तो देखो यहाँ पर बेसिकली जो फंक्शनल ग्रोप इन्वॉल्व है दैट इज अमीनो और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है तो पहला ऑप्शन है कि पॉलीमर आर फॉर्मड बाय एडिंग अ मोनोम स्टेप बाय स्टेप तो ये हाफ डेफिनेशन है क्योंकि यहाँ पर एक लो मॉलिक्यूलर वेट का पानी का मोलिक्यूल अमोनिया का हो या फिर एल्कोल का मॉलिक्यूल वो भी एलिमिनेट होता है साथ के साथ तो पहला ऑप्शन इसलिए गलत है दूसरे में है कि पॉलीमर्स आर फॉर्मड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन एंड मोनोमर्स आर ज्वाइन बाय लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर तो दूसरी स्टेटमेंट सही है तीसरा है कि मोनोमर्स फॉर कंडेंसेशन मोनोमेटेड मॉलिक्यूल्स तो ये चीज गलत है क्योंकि अनसे देखो जैसे कि इथिन वगैरह अब इथिन वगैरह के एन मोलिक्यूल जब हाई टेम्परेचर प्रेशर पर इसको रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पर बनेगा सी एस टू सी एस टू दिस इज पॉली और ये बेसिकली रिएक्शन होता है वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं होता तो इट इज टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन हो गया या फिर इसी का जो दूसरा नाम है दैट इज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इसमें दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ते चले जाते हैं इसमें चेन बनती जाती है फिर आखिरी में लिखा हुआ है 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 कि पॉलीमर्स आर बाय बाय एडिशन ऑफ़ ऑफ़ लार्ज नंबर फ्री फ्री रेडिकल्स रेडिकल्स मोनोमर्स तो गलत क्योंकि यहां पर इन्होंने लिख दिया जिसकी फॉर्मेशन होती चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में ना में। तो का जो सही आंसर होगा मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर